आईपीएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको बताया, आईपीएमएस 3.0 पे फरवरी 2024 से सैलरी बिल्स बन रहे हैं और जो पिछले महीनों के बकाया जो बिल थे उसका ऑप्शन आईपीए मैनेजर पे शुरू हो चुका था, लेकिन अब एक नई अपडेट है कि आईपीएमएस 3.0 पर भी आप अक्टूबर 2023 से नवंबर दिसंबर जनवरी 2024 तक के बिल अगर आपके बकाया है तो वो आप आईपीएमएस 3.0 पर बना सकते हैं। उसमें भी कुछ कंडीशंस है और किस ऑप्शन से बनेंगे मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो जैसे आप यहाँ से वीडियो की जो है आईपीएमएस ऐप से लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से आपको अप्रूवल रोल पे जाना है और यहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ से, जैसे मैं एक बार आपको पूरा प्रोसेस करके बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप आईपीएमएस 3.0 लॉग इन करेंगे उसके बाद में यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट और यहाँ से आपको जो डीडीओ रोल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और डीडीओ रोल में जाने के बाद में यहाँ से यहाँ जैसे आप देखते थे बिल्स, और बिल्स में जैसे एक तो भी डीए एरियर बिल का जो ऑप्शन है शुरू तो हो चुका है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सैलरी बिल्स है इस पर क्लिक करना है, और सैलरी बिल्स पर क्लिक करने के बाद में इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है रेगुलर सैलरी मैनुअल, इसमें जाकर के अभी तक आप फरवरी तक का जो भी पेमेंट है सैलरी वो बना सकते थे, लेकिन एक नई अपडेट क्या है मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जब ये आप क्लिक करेंगे रेगुलर सैलरी इनिशिएट मैनुअल, तो यहाँ लिखा हुआ एक मैसेज आ रहा है कि प्रीवियस मंथ सैलरी बिल्स अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स इज नाउ ओपन फॉर जनरेशन ऑफ 4 एम्प्लॉयज हु आर रजिस्टर्ड इन आईपीएमएस 3.0। यानी जो भी कार्मिक आईपीएमएस 3.0 पर रजिस्टर्ड है उनकी अगर मान लो अक्टूबर 2023 या उसके बाद की सैलरी बकाया है तो आप यहाँ से उनकी सैलरी बिल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से जैसे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें, मान लो जैसे 24-25 तो शुरू थे आपको बताया कि शुरू थे बन रहे थे, मान लो 23-24 आप सेलेक्ट करते थे तो अभी तक तो इसमें फरवरी 2024 का ही ऑप्शन आ रहा था, बाकी ऑप्शन नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसके बाद में फरवरी के नीचे जनवरी 24, दिसंबर 23, नवंबर 23 और अक्टूबर 23, तो अक्टूबर 2023 तक के आप बिल है बकाया अगर है तो आप आईपीएमएस 3.0 पर बना सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मैं एक अक्टूबर 2023 यहाँ सेलेक्ट करूँ, इसके बाद आपको यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। मैंने जैसे ग्रुप आपको बता रहा हूँ, हालांकि ऐसा कोई मामला हमारे पेंडिंग नहीं है, फिर भी जैसे यहाँ आप करेंगे तो ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे, तो सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इस तरीके से जितने भी कार्मिक हैं उन सबको आप एक बार यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ आपके सामने ये जो चेकबॉक्स है इस पर आपके यहाँ देखेंगे तो एक आध कार्मिक के यहाँ जो आगे बॉक्स है इसमें अगर सेलेक्ट कनेक्शन आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप इसको दोबारा यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ से अभी जैसे ये चेकबॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं दोबारा भी करके आपको बता दूंगा एक बार बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ से जैसे किसी भी कार्मिक की अगर बनाना चाहें तो सबसे पहले उस कार्मिक को यहाँ से जो एम्प्लॉय आईडी है इस पर आपको सेलेक्ट करके उसकी डिटेल्स जरूर चेक कर लेनी है। बेसिक डीए एचआरए और डिडक्शंस, मान लो आप जैसे किसी कार्मिक का अक्टूबर नवंबर दिसंबर किसी माह का बकाया बिल बना रहे हैं तो उस समय जैसे डीए रेट क्या थी तो वो चेक कर लें उसको। अगर मान लो अगर डीए जैसे 46% था अब 50% हो गया तो पहले उसको सही कर लें उसके बाद ही उसका बिल बढ़ाएं, नहीं तो फिर बिल वो गलत बढ़ जाएगा। इसके बाद में आरजीएसएस इनकम टैक्स समूह दुर्घटना की गलती, जैसे ये अभी तो ये फरवरी का डाटा शो कर रहा है अप्रैल का समूह दुर्घटना की, यहाँ 1400 करोड़ बता रहे थे। अगर आप मान लो किसी बकाया मंथ का बिल बना रहे हैं तो इस डिडक्शन को पहले आप डिलीट कर दें। इस तरीके से जो भी अपडेट्स है इसमें आप पहले एक बार कर लें, चेक कर लें, उसके बाद ही आपको इनिशिएट पर क्लिक करना है। अब मैं जैसे एक दोबारा इसको मैं करके बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे अक्टूबर की जगह मान लो नवंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक जो कार्मिक है इनके यहाँ चेकबॉक्स है ये यहाँ ऑप्शन काम कर रहा है, अक्टूबर तक नहीं करता लेकिन नवंबर में काम कर रहा है। अब यहाँ से आप जैसे इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक हो रहा है, एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, नाम आ जाएगा और यहाँ से आपको इनिशिएट पर क्लिक करना है। इनिशिएट पर क्लिक करेगा तो यहाँ कन्फर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, अगर आप यस करेंगे तो रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा। हालांकि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी किया नहीं क्योंकि कोई भी कार्मिक ऐसा हमारा नहीं है जिसका अक्टूबर नवंबर का किसी का पेंडिंग हो। अब ये कार्मिक जिनका चेकबॉक्स पर राइट क्लिक का ऑप्शन आ रहा है ये कार्मिक नवनियुक्त है और जिनकी अभी तक सैलरी बिल्कुल ही नहीं बनी है, जबकि इनकी पोस्टिंग भी फरवरी में ही हुई है तो इनका अक्टूबर का पेमेंट बाकी है ही नहीं, लेकिन यहाँ चेकबॉक्स पर राइट का जो ऑप्शन है वो काम कर रहा है। तो मान लो जैसे किसी दूसरे कार्मिक की बनानी हो और यहाँ काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, जैसे ही ऑप्शन शुरू हो जाएगा आईपीएमएस 3.0 पे आप जो भी कार्मिक है, मैं इसको वैसे आपको वापस बैक करके बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप बिल्स पे जाएंगे और इस तरीके से ये जो प्रोसेस यहाँ जो मेन बात थी कि अक्टूबर के बाद की जो भी बिल है वो आप यहाँ से इस मैनुअल मॉड्यूल से आप बना सकते हैं, जो पहले अभी पे मैनेजर पे बनते थे अब ये ऑप्शन है आईपीएमएस 3.0 पे शुरू हो चुका है।
अब बिल बन रहे नहीं बन रहे, अभी मेरे पास ऐसा कोई लाइव केस नहीं है कि जिसको मैं आपको लाइव बता सकूं, लेकिन ऑप्शन शुरू हो गया, तो अगर मान लो किसी के बाकी है तो आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी FMS 3.0 के संबंध में, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।